Çok güzel. ऐसा है देवी जी कि जो इस खेल के एंकर हैं वो इधर बैठते हैं, इधर घुस गई आप, खड़े जाइए। बहुत बहुत बधाई आपको ऋषि जी, बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई। तो देवी सिंह जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं, ऋषि जी ये एक मीडिया एनालिस्ट हैं और ये गुरुग्राम हरियाणा से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका रुचि जी, और हमें लगा कि शायद हमारी यहाँ उपस्थिति जो है वो आपको पसंद नहीं है क्योंकि बैठते ही आप उधर घूम गई। सर मेरे पैर आपके पैर जितने बड़े लिए, मैं इसको वापस घुमा नहीं पाई। नहीं नहीं, तो हम हैं ना आपके लिए, जैसे ही प्रश्न शुरू होंगे घुमा देंगे आपको। अच्छा रुचि जी, सबसे पहले केवल आप रुचि हैं या इसके आगे भी कुछ है, पूरा नाम? सर मेरा पूरा नाम सिर्फ रुचि है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सरनेम आपको एक कास्ट के ब्रैकेट में डाल देता है, तो एक आपका जो फर्स्ट नेम है वो अपने आप में इतना सेल्फ सफिशिएंट है, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। मैं अपनी आइडेंटिटी रखती हूँ, मेरे हस्बैंड अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, तो बचपन से सिर्फ रुचि और आज भी सिर्फ रुचि के नाम से मैं यहाँ पे। गरम किया जाए, लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति? ऑलराइट रुचि जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। अब आएगा पहला प्रश्न, 1000 रुपए रुचि जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी सब्जी इस हिंदी वाक्यांश को पूरा करती है, किस खेत की डैश हो? के सर, व्हिच ऑफ दीज वेजिटेबल्स कंप्लीट्स दिस हिंदी फ्रेज, किस खेत की डैश हो? ऑप्शन सुनिए, ये जो है ये इमेज प्रश्न है, तो आपके ऑप्शंस जो हैं वो नीचे लिखे हुए हैं। देख लिया? यस सर, प्लीज लॉक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी? हाँ जी, ऑप्शन सी पे धड़ा लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये है क्या ये भी बता दीजिए, किस खेत की मूली हो? किस खेत की मूली है आप? क्या बात बताया आपको रुचि जी, वाह वाह वाह, क्या बात है। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक फुटबॉल मैच में इनमें से कौन अपनी टीम के गोल पोस्ट के सबसे निकट खड़ा होता है? इन अ फुटबॉल मैच हु अमंग दीज नॉर्मली स्टैंड्स क्लोजेस्ट टू देयर टीम्स गोल पोस्ट? ए गोलकीपर, बी डिफेंडर, सी स्ट्राइकर और इज इट डी फॉरवर्ड? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए गोलकीपर। ए गोलकीपर पे ताला लगाया जाए, सही जवाब हो गया। ये आ रहा है 10000 रुपए का। रेडी? हाँ जी। पांचवा प्रश्न, 5th question, 10,000 रुपीज आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पारंपरिक रूप से इनमें से किस त्योहार में महिलाएं मुख्य रूप से देवी पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती है? ड्यूरिंग विच ऑफ दीज फेस्टिवल्स डू वीमेन ट्रेडिशनली प्ले टू गॉडेस पार्वती एंड लॉर्ड शिव? ऑप्शन सुनिए, ए ओणम, बी दशहरा, सी लोहड़ी या डी तीज? सर प्लीज लॉक डी तीज। डी तीज पे ताला लगा दे। हाँ जी सर। लगाइए कंप्यूटर जी डी पे। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब आगे है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए और अब आपके सामने आने वाला है, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या भारतीय सशस्त्र बलों के अनुसंधान और विकास के लिए काम करने वाली एक एजेंसी का नाम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ एन एजेंसी वर्किंग ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, ए डीआरडीओ, बी
ISRO या ISRO बोलते हैं कई बार, सी UPSC या डी ICAR? सर प्लीज लॉक ए DRDO. ए DRDO. संतुष्ट होकर के बोल रहे हैं, ताल लगा जाए. यस इज द राइट आंसर. दसवां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा. बरहम सालिह की जगह लेते हुए अब्दुल लतीफ रशीद 2022 में किस देश के राष्ट्रपति बने? अब्दुल लतीफ रशीद सक्सीडेड बरहम सालिह एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन द ईयर 2022? और आपके ऑप्शंस ये रहे, ए इराक, बी जॉर्डन, सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इज इट डी बहरेन. इराक, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात या बहरीन? अब्दुल लतीफ रशीद, इराक, यूएई तो सर नहीं हो सकता, बहरीन, जॉर्डन. सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी. शांत हो जाइए, एक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं. दो बची हुई, कौन सी लेंगे? सर मैं 50-50 लूंगी. 50-50, ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए. अब जैसा कि आप जानते हैं, दो जो विकल्प हैं वो हटा दिए जाएंगे. मिटा दीजिए कंप्यूटर जी. सर प्लीज लॉक ए इराक. ए इराक कह रही हैं, ताला लगाया जाए. आपने कहा था कि यूएई में प्रेसिडेंट नहीं है. सर है, बट शायद वो सलमान करके उनका कुछ नाम है, मैंने ऐसा पढ़ा है. यूएई का नाम मैंने सुना हुआ है उनके जो वो हैं. सही जवाब हो गया आपका. अब्दुल लतीफ रशीद ये इराक के 9वें राष्ट्रपति हैं. उन्होंने 2022 में राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं और बहुत बहुत उमदा उत्तर दिया है आपने. 3,20,000 रुपए चेक आ गया आपके नाम. बिग हैंड फॉर रुचि. 3,20,000 रुपए का चेक रुचि जी. वेल प्लेड. अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न. रेडी? 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा. दो हजार बाईस के नोबेल पुरस्कार विजेता स्वांटे पाबो के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द 2022 नोबेल लॉरियट स्वांटे पाबो. ए हिज फादर ऑल्सो वन अ नोबेल. बी One for physiology or medicine. C. He's Swedish. D. His mother also won a Nobel. उनके पिता ने भी नोबेल जीता था. B. शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा में जीता है. C. वो स्वीडिश हैं. या D. उनकी माँ ने भी नोबेल जीता था. ऑप्शन बी तो सही है, इन्होंने मेडिसिन में नोबेल प्राइज जीता है. जहाँ तक मैंने पढ़ा है शायद ये स्वीडिश ही हैं. मतलब मुझे लग रहा है कि फादर होना चाहिए जो सही ना हो, बट स्टिल मेडिसिन में किस किस को नोबेल प्राइज मिल चुका है फीमेल में. सर क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं तो मैं अपनी आखिरी लाइफलाइन यूज करना चाहूंगी.
आपकी बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, लॉक करने से यस सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड अंकित किया जाए। ऋषि जी आपने तीन नाम दिए थे, ये है वो नाम, भृगुनाथ तिवारी हैं, तुषार खुराना है और निश्चय पाठक। सर मैं निश्चय पाठक को कॉल लगाना चाहूंगी। निश्चय पाठक जी को कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी ये आपके भाई हैं? आपके भाई हैं? ओह ओके। निश्चय जी प्रणाम करता हूँ आपको। सर प्रणाम, सर प्रणाम सर। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। जी सर, जी सर, प्रणाम प्रणाम। आपकी बहन जो है वो हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। वाह 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 वाह। रुचि और हाँ, और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं तो जी। उन्होंने अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल की है आपके लिए जी। अब वो अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके चार ऑप्शन हैं ए बी सी डी, आपको बताना होगा 45 सेकंड के अंदर अंदर सही उत्तर क्या है जी। अगली आवाज जो है वो रुचि जी की है। रुचि आर यू रेडी? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बाबू इनमें से सावंत पाबो जो अभी मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला है उनके बारे में क्या सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है कि उनके फादर को भी नोबेल प्राइज मिला है, ऑप्शन बी है कि उनको मेडिसिन के लिए मिला है, सी है कि वो स्वीडिश है, और डी है कि उनकी मम्मी को भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है। क्या सही नहीं है? ये तो सही है कि उनको मेडिसिन में मिला है। अब बाकी तीन ऑप्शन है कि वो स्वीडिश हैं, उनकी माँ को मिला हुआ है, उनके पापा को मिला हुआ है, इन तीनों में से क्या सही नहीं है? ओके, कोई बात नहीं। हाँ, फंस गए सर। मैं जाऊंगी ऑप्शन डी के साथ, उनकी मदर को नोबेल पुरस्कार मिला है। डी ताला लगा जाए? यस सर। डी हिज मदर आल्सो वन अ नोबेल, ताला लगाया जाए। आपने कहीं पढ़ा था कि पाबो नाम से पुरुष का नाम आपने सुना है कि? हाँ, मतलब फीमेल का तो मैंने सर इतना नहीं सुना। कहाँ सुना था आपने ये कि पुरुष का नाम है? सर एक्चुअली जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने गो थ्रू किया था अभी किस किस को मिला है। आई एम नॉट श्योर स्टिल, क्योंकि ये लिस्ट्रेस था, मुझे खेलना था, तो मेरे हिसाब से मैंने कोई फीमेल पैबो सरनेम की नहीं। आपने कहीं फीमेल पैबलो नाम नहीं सुना था? आपने जो नहीं सुना था वो सही निकला है। Well played, Richie G.